بسم الله الرحمن الرحيم। रमजान महीना शुरू होने से पहले आमतौर पर मस्जिदों में एक पर्चा बांटा जाता है जिसमें पहली रमजान से लेकर 30 रमजान तक रोजा शुरू करने का वक्त और रोजा खोलने का वक्त तहरीर किया जाता है। जहां रोजा शुरू करने का वक्त होता है वहां आमतौर पर फजर की नमाज से 10 मिनट पहले रोजा बंद करने का वक्त लिखा गया होता है। मसलन फजर की नमाज का वक्त 4:30 बजे हो रहा है सुबह, तो रोजा बंद करने का वक्त 4:20 बताया गया होता है और ये बतौर एहतियात होता है और ये हमारे बुजुर्गों के जमाने से चला आ रहा है और ये एहतियात एक तरह से अच्छी चीज भी है, कोई हर्ज नहीं है। 5 मिनट अगर हम रोजा बंद करने के हवाले से एहतियात बरते हैं और इसी तरह से 5 मिनट नमाज पढ़ने के हवाले से बरते हैं, ये 10 मिनट की एहतियात गालिबन इसी चीज को पेश नजर रखकर बयान की जाती है और बरती गई है। लेकिन इसमें एक बात पेश नजर रखना जरूरी है कि ये 10 मिनट का इब्तदाई वक्त एहतियात का वक्त है। तमाम फुकहाए कराम ने, तमाम मुज्तहिदीन इज़ाम ने अपनी किताब में रोजा शुरू होने का वक्त फजर का वक्त बताया है। इस तफसील में मैं इसलिए जा रहा हूं कि फर्ज कीजिए रोजा शुरू होता है जो आमतौर पर पर्चा बांटा जाता है उसमें 4:20 के एतबार से, जबकि फजर की नमाज का वक्त होता है 4:30, 10 मिनट का ये वक्फा है, 10 मिनट का ये फासला है। ये जो 10 मिनट की एहतियात बरती गई है आम हालात में तो अच्छी चीज है, लेकिन ये बात पेश नजर रखना चाहिए कि इसमें कुछ कबाहतें भी बीच में आ जाती हैं और इस एहतियात का तस्करा पर्चा बांटने वाले या कैलेंडर छापने वाले या जंत्री वाले अपने इस टाइम टेबल के नीचे अगर लिख दिया करें कि ये एहतियात वाला टाइम है, असल टाइम तो वही फजर की नमाज वाला टाइम है, तो शायद ज्यादा आसानी हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं यह वाली बात कि कुछ अफराद ऐसे होते हैं कि मसलन जिनकी आंख ही खुली है 4:20 पर, अब वो जब उठेंगे तो मुंह धोना और ब्रश करना तो बहुत दूर की बात, वो ये समझेंगे कि चूंकि रोजा बंद करने का वक्त शुरू हो गया है 4:20 पर, तो एक गिलास पानी भी नहीं पी पाएंगे। और उसमें तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो बगैर सहरी के रोजा रख नहीं सकते हैं, वो तो ये कहते हैं कि जब तक हम सहरी ना करें हमारे लिए रोजा रखना ही मुश्किल है, तो वो ये फर्ज करेंगे कि हमारा रोजा शुरू हो चुका है 4:20 पर, जबकि अभी रोजा शुरू नहीं हुआ है। अभी अगर वो पानी पीना चाहें 2 मिनट 4 मिनट अगर बाद में वो करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। ऐसी शदीद गर्मी के जमाने में इतने बड़े बड़े रोजे अगर बगैर पानी के वो बगैर पानी पिए वो रोजा शुरू करेंगे तो उनके लिए सारा दिन गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यकीनन ये दुश्वार काम है। लिहाजा अगर फकत उनको 2 गिलास पानी पीने का मौका मिल जाए तब भी उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि चलें कुछ गुजारा हो जाएगा पानी पी के। और इसमें कुछ तो ऐसे हैं कि जिनको सहरी करना भी जरूरी होता है, वो जल्दी जल्दी सहरी करना चाहते हैं, 5-7 मिनट में सहरी कर लेंगे वो, तो अगर इतना मौका उनको दिया जाए तो वो सहरी करके आराम से रोजा शुरू कर सकते हैं। अगर ये लिख दिया गया है कि मसलन 4:20 पर रोजा आपका शुरू हो चुका है, तो कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हम तो रोजा रख ही नहीं सकते, इतना बड़ा रोजा हमारे लिए रखना मुमकिन ही नहीं है जब तक कि हम सहरी ना करें, और सहरी करने का वक्त खत्म हो गया इसलिए कि 4:20 हो गए। तो अगर ये रोजा छोड़ देते हैं या वो अफराद के जो जिनको पानी नहीं मिला और सारा दिन बड़ी मुशक्कत के साथ उन्होंने रोजा गुजारा है, तो ये रोजा छोड़ने वालों की जिम्मेदारी फिर किस पर आ जाएगी? अगर हमने ये लिख दिया है कि 4:20 पर रोजा बंद हो गया है और इन्होंने मसलन सहरी नहीं की थी इसलिए रोजा नहीं रखा, तो अगर ये रोजा नहीं रख रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन हो जाएगा? जाहिर है इसमें उन लोगों की जिम्मेदारी भी हो जाएगी जो रोजे का टाइम 4:20 लिख रहे हैं, अगरचे वो एहतियात की वजह से लिख रहे हैं, तो आम आदमी के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे अफराद की जो सहरी से महरूम रह गए और सहरी से महरूम रहने की वजह से वो रोजा नहीं रख पाते, तो ऐसी सूरत में अगर वो रोजा छोड़ देते हैं तो जिम्मेदार फिर कौन बनेगा? चुनांचा अगर ये 10 मिनट का टाइम बजाय इसके कि वो 1 मिनट पहले भी अपना रोजा शुरू करे तो कोई कबाहत नहीं है। इन्हें अगर फर्ज किए कि 4:30 पर फजर की नमाज का वक्त हो रहा है, ये 4:29 तक अगर खाता पीता रहे और रोजा रखने के काबिल हो जाए या देर से उठाए तो 2 गिलास पानी जल्दी जल्दी पी सकता है,
अगर हम इस तरह से भी इसको सहूलत दे सकते हैं तो इस सहूलत से हम महरूम हो जाएंगे। चुनांचा आम हालात में 10 मिनट की एहतियात बरती जाए तो कोई हरज नहीं है, मगर वो सारे अफराद के जो किसी मजबूरी की वजह से पानी पीना चाहते हैं या जल्दी जल्दी अपनी सहरी मुकम्मल करना चाहते हैं, तो फिर वो इस एहतियात वाले टाइम को पेश नजर न रखें तो कोई हरज नहीं है। जो फजर की नमाज का टाइम है उससे एक मिनट पहले भी वो अपना रोजा शुरू कर देते हैं, अपना खाना पीना बंद कर देते हैं, तो कोई हरज नहीं, इंशाल्लाह उनका भी रोजा हो जाएगा और उन्होंने अपना रोजा बिल्कुल सही वक्त पे शुरू किया है, कोई कबाहत नहीं है।